हरियाणा का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना प्रचार तेज करती नजर आ रही है। अगर बात करें हरियाणा के जुलाना विधानसभा की, तो यहां से इंटरनेशनल पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। अगर बात करें हरियाणा के जुलाना विधानसभा की, तो यहां से इंटरनेशनल पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो वहीं मजबूत दावेदार के तौर पर इनेलो बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर, बीजेपी से कैप्टन योगेश बैरागी और आम आदमी पार्टी से कविता दलाल मैदान में है। सुरेंद्र लाठर पहले बीजेपी से टिकट की उम्मीदवारी करते नजर आ रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इनेलो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र लाठर जीएसटी कमिश्नर रहे हैं और जुलाना विधानसभा में लाठर समाज के गांव में मजबूत दावेदारी रखते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट को मजबूती से चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए। हरियाणा का चुनावी भूगोल बन चुका है, लगातार आप क्षेत्रों में जा रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या कुछ माहौल है क्षेत्र के, किन किन मुद्दों पर आपकी पार्टी और आपकी नजर? सबसे पहले तो जुलाना और हरियाणा के बेटे की आप जैसे भी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। हमारे सबसे बड़ा जो सरकारी नौकरी पर रहते 670 युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करवा पाए। हमारे ग्रामीण भाई बहन 76 के बेहतर गाँव में 25 गाँव रहते बैठे तो बेरोजगारी की तलाश करते हैं और रोजगार दी उसके भाई की तरफ बड़ी उम्मीद भरी दुनिया होता है। सबसे पहला मुद्दा भी और सबसे पहला काम है, अगर जुलाना की जनता अगर विधायक बनी तो सबसे पहला काम 25,000 बेरोजगार युवा भाई बहन जो जुलाना थे तो रोजगार दे रहे कहते सब है सभी पार्टी। पहले जो हमने स्टाम्प पेपर पे फिडल जारी कर आप किसी भी घर 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 पहुंचाएंगे कि भाई हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे, ये गारंटी उनका भाई बेटा उनका परिवार का सदस्य 24 घंटे उनके बीच में रहने वाला इसमें पहले करते दिखाया आपको लिख के दे रहा स्टाम्प पेपर। सबसे पहला सवाल मेरा ये भी है कि सरकारी नौकरी आपकी रही 15 साल भी अभी बचे हुए हैं, क्या कारण रहा, मतलब क्या देखा आपने क्या आप नौकरी छोड़ भाई चीज 73 साल आजादी की हो गई थी जब 670 युवाओं को रोजगार दे पाए 25,000 युवा लाइन में है। एक दाने को त्याग करता है जमीन में जाता है तो हजारों दाने पैदा हो, मैं तो वो दाना बन गया अभी मेरी 15 साल तक पार्टी बैठी चुकी 25,000 ग्रामीण युवा भाई बहन को नौकरी की व्यवस्था करवाने की उनका भाई बेटा अभी राजनीति में और मैदान में आया हूँ खेतों की लड़ाई लड़ने। हरियाणा के चुनाव पर तमाम देशवासियों की नजर है, खासकर दिल्ली की बात करें और जो प्रत्याशी आपके सामने खड़े कहीं ना कहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है, क्या लगता है कितनी मजबूती के साथ? तो खिलाड़ी के लिए हंग की जरूरत होती है राजनीति में, लोगों को नौकरी दिलवाने के लिए दिमाग और तजर्बे की जरूरत। खिलाड़ी तो हमारे हर किसान मजदूर जो यहाँ पे पसीना बांटते हैं वो सारे ही खिलाड़ी 25,000 ग्रामीण युवा भाई बहनों को जो रोजगार दिलवाने की व्यवस्था करेंगे हर बूथ का। हमारा हरियाणा के पूरा 5 साल का 10 लाख करोड़ रुपए बजट होता है, यहाँ पर विधानसभा 11,000 करोड़ रुपए हमारा जुलाना का हिस्सा होता है। हर बूथ पे 200 बूथ जुलाना विधानसभा के 55 करोड़ रुपए वो लाने का काम उनका भाई होता करे। हर गांव में पानी की समस्या, 3 बड़े RO प्लांट लगा कर सरकारी नौकरी करे थे, 3 गाँव के बड़े बड़े गाँव की समस्या का समाधान कर पाए, बेहतर से बेहतर गाँव की समस्या का समाधान। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सब समाज की अपनी अपनी तरफ सारा है, लेकिन वो क्लास में किसान मजदूर बहुत बड़ा माहौल बनाएंगे ताकि किसान और मजदूरों की समस्या का और उसके समाधान की चर्चा उसमें होगी और आपसी भाईचारा बढ़े। ये 4 काम जो मैंने बताए 25,000 बेरोजगारियों को नौकरी की व्यवस्था, सब 55 करोड़ पर बूथ के हिसाब से 11,000 करोड़ जुड़ाना विधानसभा में बचवा है बजट में वो लाके पढ़ा लिखा उनका बेटा वहां पहुंचेगा तो वो लाके उनका हर गाँव का हर बूथ का हर कोने का समाज का उसके विकास के लिए लगाएंगे। पानी की समस्या जो बेहतर के बेहतर गांव में 3 गांव 4 उपलब्ध लगाए समाधान करेंगे और किसान मजदूर चुलाना में ऐसा भव्य किसान मजदूर बनेगा जो पूरे देश में नहीं होगा। यहाँ सबसे बेहतर किसान और मजदूर लोग रहते हैं और यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं हमें तो 24 घंटे हमारे बीच में रहने वाले चाहिए। दूसरे कैंडिडेट तो ऐसे उन्होंने बेहतर गाँव का नाम भी नहीं बोला तो बाजार के अधिकारियों को फोन कर समस्या का समाधान करवाने वाले चाहिए। बटा लिखा जिसने काम करना आपका काम करवाना भी आता हो मेरे को अच्छे से 5 साल और तरुण के बच्चों के लिए 25,000 किस बात चुनाव की जनता जाति पार्टी से पार्टी वाली से सब नमन बना दिए अपने भाई से।
से कान मरोड़ के काम करवा रहे हैं उसको जिताने के लिए 5 अक्टूबर को 5वें नंबर बटन पे 10वें के निशान का बना के जुलाना की जनता को विधायक बनाने जा रहे हैं। और इन सब कामों के साथ काम से आज मैंने एफिडेविट भी दे दी। अगर है किसी पार्टी में कुछ बात पसंद करते हैं, चुनाव आएगा लड़ेगा चले जाएंगे, लेकिन मैं तो उनका नहीं हूँ। अपन सब लोग कहते हैं कि हमारा भाई बेटा बनेगा, हमारे लिए काम करेगा और हमेशा हमारे काम आएगा, हमारे बीच रहने वाले को इस बात पर बनाने की जनता विधायक बनाने का काम करिए। ये मैंने एफिडेविट जारी कर दिया, आप आपके सभी कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी उन कैंडिडेट में हिम्मत अड्डा को जाके पूछे, वो भी बड़े बड़े वादे झूठे कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी है तो जो 86 उम्मीदवार उसमें फार्म भरे फीस या फीस तो सब लोग कह रहे हो, तो बच्चे हमारे पेपर देंगे, फीस हमारे बच्चे भरेंगे जुलाने की, लेकिन रोजगार नौकरी का टाइम आती है कोई नहीं। ये तो सब कह रहे, पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जिन जुलाने के साथ जो भेदभाव है, यहाँ के युवाओं का हक का रोजगार का हक छीन करो, लोग चुनाने की जनता मेरा परिवार ऐसी क्रांति नहीं है। किसान मजदूर ये दबाव में किसी से कुछ लेने वाले में रात में थे इनकी जान ले, तो ये बात समझ चुके हैं कि उन दोनों लोगों को कुछ नहीं था। वो तो बत्ता खेड़ा गांव में नहीं, ताऊ मेरे को बैठे गया कि बेटा बत्ता खेड़ा गांव में जिस तरह से खड़े, वो तो अपने परिवार के सदस्यों के नाम ही नहीं जानते, हमारा क्या करेगा। उस बत्ता खेड़ा गाँव में 70 परिवारों में मेरे भाई बहनों को मैंने पढ़ गुमारों को नौकरी काउंसिलिंग में करता हूँ, उनको इनाम दे चार बार हौसला बढ़ा, 70% वोट अपने भाई बेटे को देने का काम करेंगे 8 अक्टूबर को। जो बत्ता खेड़ा के जो वोट तो आप लोग कर लेंगे। अगर देखा जाए कि मौजूदा जो सरकार रही है उसने भी दबाव, क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है, सारे कार्यकर्ता जो यहाँ तक सालों का शोषण था, और अब भी उस पार्टी ने देखा है कि वे पहले एक आदमी की नौकरी चुका के लाए ताकि ये और लोगों के अच्छे काम कर पाए, इतना मेरे पास राशन देख है। अब उस पार्टी से छुट्टी पार्टी कोई नहीं है, कार्यकर्ता भी कहते हैं मैं ज्यादा इस पार्टी की नीति इतनी झूठी में करी, उससे इतना नफरत हो तो उसकी बात रहना ही मैं। अब उसके सारे हजारों के हजारों कार्यकर्ता चले, बाकी टीम गाँव में, अब हमारा कंपेन खत्म हो गया, चाय पानी के प्रोग्राम चल रहे हैं, इसमें सबको साफ देख क्या करेंगे, हजारों कार्यकर्ता उनके मेरे नहीं अपने भाई बेटे सरेंडर ला करके, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोई फोन करने वाला मिला वो कह रहे कि टिकट पार्टी का जिसने टिकट काटी नेताओं के वोट नहीं दुलाना वोट कम आ जाओ, हजारों के हजारों कार्यकर्ता सारे समाज के साथ लगे सभी जाते पार्टी से पहुंच के अपने भाई अपने परिवार के उनके लिए रोजगार रोजगार की व्यवस्था है। उन्होंने पहले मेरा ठीक है 5 साल कैसे काम कर सकता है, करना था करवाना था उस पर मैं भी सकता हूँ। आप घर घर लोगों के जा रहे हैं, उस मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि भीड़ की अगर बात की जाए, क्योंकि मैं भी आ रहा था देखा मैंने कि कांग्रेस के पीछे बड़ी भीड़ थी, झंडे लगा रहे थे, क्या लगता है इससे प्रभाव पड़ता है? हमारा हमारा भीड़ आपने देखी नहीं, हमारी हमारी भीड़ आज गाँव में वो भीड़ ने 5 दिन जो मेहनत का काम करना ना घर घर वो भीड़ वो काम कर, जितने लोग हमारे लोकल हमारे कंपनी में चलते थे 2,000 लोग साहब, इतने तो उनके पास बाहर और यहाँ के लोग ही नहीं। तो अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 30 तारीख तक बीमार होकर हॉस्पिटल में बैठने दौड़ने वाले हैं, वो अकेले आपको खिलाड़ी दिखेगी घूमने वो और उसका टिकट है, भूपेंद्र हुड्डा पैसा सबक सिखाएंगे कि भाई वो आने वाली 23 पीढ़ी तो किसी भारी उम्मीदवार को हमारे जिला में उतारने की हिम्मत नहीं कर पाए। हरियाणा जुलाना से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।